हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बजे हैं 8। अभी मम्मी कर रही हैं पूजा, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, दो ही गए हैं, दो आज शादी में जाएंगे। दीदी जाएगी अपनी फ्रेंड्स की शादी में, तो दो बच्चे उनके साथ जाएंगे। और अभी बस मम्मी पूजा कर रही है, बाद में मैं कर लूँगी नहा के, अभी मैं नहीं नहाई हूँ। मैं और मम्मी सुबह में रोज़ ही करते हैं पूजा। जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक तो काम में भी मन नहीं लगता, ना ही मन को शांति मिलती है, तो हम तो रोज़ ही करते हैं। मम्मी कर रही है आरती। मम्मी ने पूजा भी कर ली थी, नाश्ता भी कर लिया है। अभी मक्खन गरम करने बैठ गई थी, फिर अंगीठी में तो आग जली रही थी क्योंकि दूध भी उबाला था, पानी भी गर्म हुआ था। जब अंगीठी में आग जलती है तो फटाक से काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर आग जलाना मुश्किल हो जाता है और फिर ज़्यादा दिन का मक्खन हो जाता है, उसमें स्मेल भी आती है। ये भी तैयार हो गई हैं शादी में जाने के लिए, जिया भी हो गई है और ये बस अभी सूज पहनने लग रही हैं। ये सूज बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे तो, आप लोग भी बताना कि कैसे लग रहे हैं। जीन्स के साथ में पहने तो और भी अच्छे लगते हैं। मैं तो पहन ही नहीं सकती इतने हील के, बहुत ज़्यादा हील है, मेरी तो लंबाई भी काफ़ी है, तो मुझसे तो पहने नहीं जाएंगे। इधर मेरी जेठानी भी तैयार है बिल्कुल अपने घर जाने के लिए, इनको छोड़ने के लिए जाएंगे भाई साहब, वो ये बिल्कुल तैयार है। इन्होंने कपड़े भी रख लिए अपने बैग में और अब जाएंगी एक महीने के नाम की, पूरा एक महीना रह के आएंगी। जिया भी लगी है अपनी ताई जी को तैयार करने में, वो जिया लगा रही थी इनको बालों में रबड़, चुटिया में इनकी, क्योंकि इनकी रबड़ हमेशा निकली ही रहती है, ध्यान नहीं रखती हैं, इनके बाल काफ़ी लंबे हैं। आप लोग पूछते भी रहते हैं कि आपकी जेठानी के बहुत लंबे बाल हैं, तो हाँ जी इनके बहुत लंबे बाल हैं। लंबे बाल सभी को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, पर हमारे सर पर नहीं हैं इतने लंबे बाल। अभी तो इनकी चोटी भी बहुत बारीक हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थे। और बस अभी तैयार हैं ये, भाई साहब जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। थोड़ी दूर का रास्ता है, इनका गांव तो नज़दीक ही पड़ता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी दीदी भी जा रही हैं शादी में अपनी फ्रेंड के यहाँ, जिया भी जा रही है उनके साथ में, सब लोग जा रहे हैं सुबह सुबह, सब चल दिए हैं, बस हम ही रह गए हैं यहाँ पर, मैं और मम्मी। अब हम ही यहाँ पर बनाएंगे और खाएंगे आराम से। मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, अभी मैं इसमें छौंक लगा रही हूँ। घी डाल दिया था मैंने फ्राई पैन में और इसमें प्याज जीरा भी डाल दिया है और सूखे मसाले धनिया सौंफ मिर्च ये भी डाल दिए हैं। अभी इसमें मैं आलू को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। नमक मैंने आलू में ही मिक्स कर लिया है और जितना भी अच्छे से फ्राई होते हैं इतने टेस्टी लगते हैं। और थोड़ा सा घी और ऐड कर लिया है मैंने, इसमें कम लग रहा था। पिट्ठी को मैं घी में ही छौंक के बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अक्की को बहुत पसंद है, अक्की को चाहे रोज़ ही दे लो पिट्ठी, रोज ही खा लेगा। और सब्जी खाने में तो वो नखरे दिखाता है, पर पिट्ठी का इतना बड़ा शौकीन है कि चाहे रोज दे लो उसको, मुझे भी अच्छी लगती है। मेरा मन कर रहा है आलू के पराठे का, मैं अपने लिए बना लूँगी आलू का पराठा एक, आप लोग भी खा लीजिए, गरम गरम खाना तैयार है बिल्कुल। आलू का पराठा बनाया है, खा लीजिए आप लोग भी। बंदरों की वजह से जगह जगह हमारे डंडे ही डंडे मिलेंगे, उनको उठा के रख देती हूँ। देखिए हमारी तुलसा जी सूख गई है बिल्कुल और पौधे सारे ही सूखे हुए हैं, बस यही अच्छा चल रहा है, ये नहीं सूखा नहीं तो सारे सूख गए। और ये देखिए बंदरों ने उखाड़ दिया है, बंदर भी कुछ नहीं छोड़ते हैं। और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब लोग जा चुके हैं, कोई शादी में कोई अपने घर। अभी लग जाते हैं अपने काम पे, ये जो बैग रखा हुआ है इसमें मैंने सारे गर्म कपड़े रख दिए उठा के, अभी गर्मी होने लगी है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी इधर से उधर पड़े पड़े फिरते हैं, मैंने सोचा आज रख ही देते हैं उठा के। और अभी मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, अभी डस्टिंग कर रही हूँ, कोलीन से साफ़ कर रही हूँ आज अच्छे से, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ रह ही जाता है काम के चक्कर में, अच्छे से नहीं हो पाता है। आज बहुत ही अच्छे से करूँगी पूरे रूम की क्लीनिंग, बाहर भी करनी है, अभी दो रूम हो रहे हैं उनकी भी करनी है, पहले
यहीं से शुरू कर लेते हैं। और विंडो में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, इनको भी अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लूँगी तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। बाहर धूप रहती है, वहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, वहाँ पर कपड़े भी फैल रहे हैं। और बस अभी मुझे फिर पोचाई लगाना है डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू तो लगी गई है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में। आप सबको राम राम जी। आज दिन है बार ख़राब, फिर से बादल हो रहे हैं, सर्दी भी हो रही है, बारिश का मौसम हो गया है और अभी शाम का टाइम भी हो गया है। तो अभी मुझे दूध भी उबालना है, सब्जी बनानी है, शाम का खाना तैयार करना है। अभी दोपहर का मेरा तो अभी फिनिश हुआ था थोड़ी देर पहले ही, और अभी शाम का स्टार्ट हो गया है। बस यही रहता है, पूरा दिन काम ही काम, काम ही काम, नोट आराम। बच्चे आज शादी में गए थे अपनी बॉडी के साथ, अभी अभी आए हैं। और अभी सर्दी हो गई है, मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था पर अभी सर्दी लग रही है, इसको चेंज करना पड़ेगा। जब तो बहुत गर्मी लग रही थी, काम किया था, काम करने के बाद गर्मी लग रही थी और अभी सर्दी लग रही है। और आज मुझे पूरा दिन हो गया अकेली थी। ये थोड़ी सी वीडियो दीदी की फ्रेंड की शादी की है, मैंने ही बोला था उन्हें कि वीडियो बना के लाना उनकी शादी की, मुझे अच्छा लगता है शादियों की वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने उन्हें बोल दिया था। तो वो लाई हैं अपनी फ्रेंड की वीडियो बना के, आप लोग भी बताइएगा कैसी लग रही है उनकी फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उस शादी में बहुत मन लगा, बच्चों का भी बोल रहे थे आने के बाद कि बहुत मन लग रहा था शादी में। शादी की बस ये थोड़ी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। और आज मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, वो भी आई थी यहीं पर शादी में आई थी, वो भी फिर यहाँ भी आ गई थी क्योंकि सोच रही थी कि नज़दीक है चलते हैं वहाँ भी। थोड़ी सी वीडियो दीदी की छोटी बेटी है उसकी है मस्ती की, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बेटी की मस्ती आप लोगों को। हेलो बच्चा, हम साधु बाबा हैं, हमें ऊपर को करके दिखाई नहीं देता है, ऐसे करना पड़ेगा। अब आज हम आपको डर के प्रकार बताएंगे जो कि हमारी मम्मी ने अभी अभी समझाया है। डर दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पिटाई का डर होता है। दूसरा, जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें शर्म का डर होता है। और शर्म का डर हमें समझ में नहीं आया, अगर आपको समझना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अपनी मम्मी से समझवा देंगे। ठीक है, और ठंड हो रही है, रिजाई में लिपटे रहे, आग तो हवा भी चल रही और मन ने तो ऐसा लपेट लिया, बस आँख आँख दिख रही है और वे भी नहीं चेक करके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मुझे कमेंट आया था कि आपकी आपके सर में दर्द रहता है, आके टेस्ट करवा लीजिए, कभी ऐसे ही रहता हो सर में दर्द, तो शायद आप ठीक कह रही हैं। अब मेरा बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होने लगा है, पहले नहीं होता था पर अभी दूसरे तीसरे दिन बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, आँखें भी दुखती है। मैं सोच रही हूँ, वैसे मुझे भी लग रहा है आँखें टेस्ट करानी पड़ेगी, आँखों में भी दर्द सा रहता है। देखते हैं जब वो आ जाएंगे तब देखेंगे, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती है, शाम के टाइम आते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं ड्यूटी पर। और आज तो ड्यूटी पर भी नहीं गए, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, लोग अपने आपस में मरते हैं मारते हैं, ऐसी दहशत फैलाते हैं, क्या होता है ऐसे करने से मुझे समझ नहीं आता। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है शहरों में, तो गांव में तो फिर भी राशन भी रहता है घर में, पर शहर में तो हर एक राशन के लिए दुकान पे जाना पड़ता है। और जब ये लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर तो खाने पीने के भी लाले धाले पड़ जाते हैं, गाँव में तो फिर भी होता है राशन, पर शहर में तो एक एक चीज़ लेकर ही आते हैं बाहर से, पता नहीं बस आज का दिन उन्होंने कैसे गुजारा होगा। और अभी मैंने सोचा वीडियो कैंड कर लेते हैं, आज तो मैं अकेली ही थी, काम मेरा थोड़ा लेट ही निपटा है आज दोपहर का भी, क्योंकि अकेली थी करने वाली। आज मेरी जेठानी भी जा चुकी है अपने घर, उनको भतीजी हुई है, उनके घर छोटा सा बेबी आया है, उसी को देखने के लिए गई है। एक महीने तक अब आपको मेरी जेठानी नज़र नहीं आएगी। और आज दीदी और बच्चे भी गए थे शादी में, जिया और किट्टू गए थे, अक्की और लक्की गए थे स्कूल में, और दीदी ये सब शादी में थे। आज मैं अकेली थी, मम्मी थी और मैं, बस हम दोनों ही थे घर। तो आज काम को थोड़ी देर भी हो गई, आज सारा ही काम मेरा लेट हो गया था, और आप लोगों से ना ही मैं ज़्यादा बातें कर पाई हूँ आज, ना ही अपनी वीडियो शूट कर पाई हूँ अच्छे से,
बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। ऊपर से बंदर इतने आते रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, डर लगता रहता है। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी मैं, तो अभी सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। बच्चे भी सो गए हैं थक हार के, क्योंकि शादी में गए थे, बहुत थके हुए थे, और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। अभी थोड़ी सी पढ़ाई की है और सो गए फिर। मैंने कहा पढ़ लो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, अभी नहीं हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल से आने के बाद तो ये खेल कूद में ही लगे रहते हैं, इस टाइम ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कहने सुनने से, नहीं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते बिल्कुल भी। बहुत परेशान कर दिया बच्चों ने, सुनते नहीं हैं एक भी बात। और आप लोगों से मैं बातें करूँगी अपनी देवरानी के बारे में, आप लोग पूछते रहते हैं कि आपकी देवरानी नहीं आती है। तो देखिए मेरी देवरानी आती तो हैं, पर कम ही आती हैं, क्योंकि अब तो उनका बेटा भी पढ़ने लगा है, और मेरे देवर हैं जो उनको भी कम ही छुट्टी मिल पाती है, इस वजह से नहीं आ पाते हैं वो। छुट्टी के ऊपर ही बात होती है, उन्हें कम ही छुट्टी मिलती है तो कम ही आते हैं इस वजह से। और बच्चे जब पढ़ने लगते हैं फिर तो आना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जब कभी आएंगे तो आप लोगों से ज़रूर मिलाएंगे। अभी तो पता नहीं कब आएंगे, होली पे भी नहीं आ पाएंगे शायद, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है, मुश्किल हो जाता है छुट्टी मिल पाना। और दूर भी ज़्यादा हैं, तो दूर से आने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चे के साथ में, इस वजह से नहीं आते वो जल्दी से। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।